फिर से आपका एक बार स्वागत है। किसकी होगी सियासत, किसका होगा महापौर, इस कार्यक्रम में अब हम आ पहुंचे हैं कालीना विधानसभा के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 165 में, जहां पर भारतीय शेतकरी कामगार पक्ष के सबसे युवा तीसरा नेता नूर हसन शेख, जो कि यहां पे आप देख सकते हो कैमरे के माध्यम से इतनी सारी भीड़, इनके इतने चाहने वाले लोग मेरे साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं। अब ये देखना होगा कि आने वाले 2017 के महानगर पालिका चुनाव के अंदर भारतीय शेतकरी कामगार पक्ष की क्या भूमिका होगी। हम सीधा बात करते हैं हसन शेख जी से। हसन शेख जी, इतना अच्छा वातावरण के परिषद में आपका है, क्या लगता है आपको आने वाले महानगर पालिका चुनाव के अंदर आपकी पार्टी क्या भारतीय शेतकरी कामगार पक्ष की भूमिका? मुझे उत्तर मध्य मुंबई जिला का प्रेसिडेंट घोषित करने के लिए करते हुए मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ कि मेरी पार्टी भारतीय शेतकरी कामगार पक्ष जो मुंबई के अंदर आने वाले बीएमसी चुनाव के अंदर पूरी कड़ी मेहनत के साथ और कड़ी लगन के साथ लड़ेगी, और बगैर हमारे कोई भी पार्टी अपनी सरकार नहीं बना सकती। और आगे जो चुनाव रहेंगे, जो 2017 के जो चुनाव हैं, कोई भी सरकार बगैर अपने सहमति के सरकार नहीं बना सकती, यह हमारा दावा है। उत्तर मध्य मुंबई जिला प्रेसिडेंट हसन शेख। कहा जाए कि भारतीय शेतकरी कामगार पक्ष आने वाले महानगर पालिका चुनाव लड़ेगी? हाँ, लड़ेगी, आपको लड़ेगी। हसन भाई, क्या लगता है कि जैसे कि चुनाव लड़ने वाले हैं, क्या मुद्दा होगा भारतीय शेतकरी कामगार पक्ष का? हमारे पास जो मुद्दा होगा शेतकरी कामगार की, सबसे पहले तो मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ तमाम लोगों को, दीपावली की शुभकामनाएं। और जो मसला हमारे दरमियान है कि हम जो हसन शेख को अपने दरमियान हम लेकर के आए हैं, खड़ा किए, इन्होंने अपना काफी वक्त, अपना बहुत कुछ लोगों की तरफ दिया है, इन्होंने बहुत मेहनत की है, जद्दोजहद की है, लोगों के लिए हर सुख दुख में खड़े रहे हैं, किसी भी मामले में आए हैं सामने। इसके लिए आज इनकी लोकप्रियता जो बनी है सिर्फ इसीलिए बनी है कि लोग इनको इसलिए चाह रहे हैं कि आने वाले कल में ये हमारे दरमियान रह करके ये हम लोगों के लिए कुछ करें। और इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आने वाले चुनाव में लोग शेतकरी कामगार पार्टी की तरफ से हमारे हसन भाई खड़े हो रहे हैं, हम इनको भरपूर बहुमत के साथ जीत दिलाएं। और हमारी ये कोशिश रहेगी कि हमारी ये सीट यहाँ से निकलनी चाहिए, और हमारा जहाँ तक ये अंदाजा है कि हमारी ये सीट 100% निकलेगी यहाँ से, इसे कोई हरा नहीं सकता, ये हमारी पूरी कोशिश है। और हम, और जो मुद्दा हमारा है, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है कि यहाँ पे जो हमारे इलाके के लोग रहते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहली चीज़ तो मुद्दा है कि हमारी सड़कें साफ नहीं है, हमारे नाले का मसला है, हमारे पानी की जो मसाइल है, और तमाम चीज़ें जो है बच्चों के खेलने कूदने की जो चीज़ें हैं, जहाँ पर लोग बच्चे खेलते कूदते हैं वहाँ पे ऐसी ऐसी गंदगियाँ फैली हुई हैं कि जिससे बच्चे आए दिन परेशान रहते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, कोई डेंगू का शिकार हो रहा, तो कोई मलेरिया का शिकार हो रहा, कोई किसी और चीज़ का शिकार हो। तो ये तमाम चीज़ों को हम लोग मुद्दा बनाएंगे कि हमें इन चीज़ों को करना है। सबसे पहली चीज़ तो हमारे बच्चे, मेन चीज़ जो इसमें होता है, सबसे पहले हमारे बच्चे होते हैं, हमारे बच्चों को हमें सहूलत चाहिए, हमारे लोगों के जो हमारे दरमियान, हमारा नगर सेवा का काम क्या है, हमारे नगर सेवा का काम सिर्फ ये होता है कि वो लोगों की क्या नाम है तकलीफों को दूर करे। हम चुनाव में चुनकर लाते सिर्फ इसलिए कि वो अपनी जेबें भरने के लिए नहीं, सिर्फ ये होता है कि वो लोगों के काम को करें और उनकी तकलीफों में काम आए, ये हमारी कोशिश है। ये थे हसन भाई, जिन्होंने साफ साफ एक कट्टर समर्थक रूप में
नूर हसन शेख के बारे में उन्होंने अपनी एक जिस तरह आप दे सकते हो कि जिस जो उसका जोश और जो जज्बा था उन्होंने साबित कर दिया है कि जो भी नगर सेवक यहाँ पे रहा होगा, जबकि आपके जानकारी बता दूं कि ये बिल्कुल ये वार्ड तमाम नगर सेवकों से कट कर एक नया वार्ड बना है, लेकिन नूर हसन शेख के समर्थन में जिस तरह का यहाँ पे वातावरण बना हुआ है, निश्चित तौर पर आने वाले चुनाव के अंदर भारतीय सत्तारी कामगार पक्ष की एक नई भूमिका होगी, एक नया रिजल्ट होगा। मैं राजकुमार विश्वकर्मा फ्लैश न्यूज के लिए वीडियो जर्नलिस्ट प्रतिभा शुक्र के साथ अजीज खान और अजय गाड़गे के साथ में आज के लिए बस इतना ही। फिर अगले किसकी होगी सियासत, किसका होगा महापौर इस कार्यक्रम में फिर आपको नई पार्टी के साथ के उम्मीदवारों को आपको रूबरू करेंगे।